जरूर आएंगे व्लॉग में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। किसी पे दया मत करना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत फ्रॉड होता है। फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और आपके पास स्टे का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर आप एक बार कॉन्टेक्ट कर लेना। मौसम खराब होने की वजह से कोई भी हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं कर रहा है। VIP दर्शन भी कर सकते हो, जिसके चार्जेस हैं। सो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? जय श्री केदार, मैं हूं सचिन और स्वागत करता हूं आपका एक और फ्रेश न्यू व्लॉग में। सो आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा कि हम गौरीकुंड पहुंच चुके हैं केदारनाथ यात्रा के लिए। सो दोस्तों, आज है 14th September और हम निकलने वाले हैं बाबा केदारनाथ यात्रा के लिए। और आज फर्स्ट टाइम मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है ट्रैक स्टार्ट करने में। अभी 7 बज रहे हैं मॉर्निंग में निकल तो मतलब पूरा सुनील लॉज खाली हो गया, सिर्फ हम ही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, हमको पता है कि हम कवर कर देंगे। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो चलते हैं, बाकी देखते हैं कितने बजे तक पहुंचेंगे, वो आपको व्लॉग में आगे अपडेट मिल ही जाएगा। बाकी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस व्लॉग में मिलने वाली है सितंबर के मंथ में। तो चलिए चलते हैं बाबा केदार का नाम लेके। जय श्री केदार, हर हर महादेव। इंसानों का ट्रैफिक लगता हुआ। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि केदारनाथ में पानी भी बहुत महंगा है, पीने का पानी 80 रुपीज़ बॉटल है, दोस्तों आपको ख़रीदने की ज़रूरत ही क्या है जब आपको नेचुरल वाटर मिल ही रहा है रास्ते में वाटरफॉल्स के थ्रू। इससे शुद्ध, इससे प्योर वाटर आपको नहीं मिलने वाला, इसमें किसी का हाथ भी टच नहीं हुआ है। तो दोस्तों, जस्ट अभी रुके हैं क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, अभी बस ऐसे ही निकल गए क्योंकि लेट हो गए थे। लेकिन अपने पास है गुड़ और पीनट्स, मूंगफली। ट्रैक के लिए सबसे बेस्ट आइटम है ये, कुछ भी मत रखो, बस ये रख लो, आपको इतना एनर्जी देगा, इतना एनर्जी देगा कि आराम से आप ट्रैक कर सकते हो। कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको ट्रैक के बीच में। सो फाइनली हमारा नेचुरल वाटर, जो कि और बॉटल से भी ज़्यादा प्योर है, तो ये आप भरो, कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। बॉटल वाटल आराम से यात्रा करो और पानी पियो। चलो चलते हैं आगे। दोस्तों, जब भी आप कोई ट्रैक करते हो, लाइक केदारनाथ यात्रा या फिर कोई सा भी ट्रैक, तो अपने साथ ORS या फिर इलेक्ट्रोल ज़रूर रखें, एनर्जी देगा आपको बहुत ज़्यादा। मैं तो हमेशा जब भी जाता हूँ अपने साथ कैरी करता हूँ, और पानी की जगह इसी का यूज़ करता हूँ। सो दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं जंगल चट्टी, और यहाँ पर धूप भी निकल चुकी है, एकदम बढ़िया सा वेदर है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, कि आप जो भी खाने पीने का आइटम लाते हैं, ड्राई फ्रूट्स या फिर ड्राई फूड्स, तो सभी आप नीचे से कैरी कर लेना, लाइक श्रीनगर वगैरह से। क्योंकि देखो, ट्रैक पे लोगे ना तो 5 से 10 रुपए पर पीस आपको महंगा ही मिलेगा, तो क्यों ना आप उसमें कुछ और ख़रीद लो, वो सही रहेगा। तो
बजट में अपने हाथ में होता है यात्रा करना, जो लोग कहते हैं नहीं होती, होती है, आप करना सीखो। सो नाउ दोस्तों, हमने लगभग अभी 10-11 किलोमीटर्स कवर कर लिया है केदारनाथ ट्रैक का, और अभी इतना ही यहाँ से रिमेनिंग है, बाकी रह गया है ट्रैक। बोलो, अरे बोल दो भैया, बता दो कितने थे पर्स में। सो दोस्तों, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कि जब भी आप ट्रैक में आते हैं ना, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना, क्योंकि ऐसे केस हमारे सामने बहुत आ चुके हैं। आप सावधान रहना, अगर कभी भी ऐसा कोई आपसे इंसिडेंट होता है कि कोई कहता है कि हमारा वॉलेट खो चुका है और हमें पैसों की मदद कर दीजिए, तो प्लीज़ मत करना, किसी पे दया मत करना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत फ्रॉड होता है। सो बस यही बताना था, ध्यान रखना। सो नाउ दोस्तों, जब हमने ट्रैक स्टार्ट किया था तो उस टाइम सनलाइट थी, काफ़ी ओपन सा वेदर था, बट नाउ अभी फॉगी वेदर हो चुका है केदारनाथ ट्रैक में। एज यू कैन सी, मतलब पूरा फॉग आ चुका है पूरे ही ट्रैक में, और मौसम ठंडा भी हो चुका है। जो लोग पूछ रहे थे कि अभी केदारनाथ ट्रैक का मौसम कैसा है, वेदर कैसा है करंट में, क्या बारिश तो नहीं है, तो बारिश तो बिल्कुल भी नहीं मिली हमको ट्रैक में, इवन धूप मिली है। बट अभी टाइम हो रहा है लगभग 12:30, तो वेदर यहाँ पे फॉगी हो चुका है, तो इस तरह से आप, जय भोलेनाथ, तो इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं कि 12 बजे के बाद जो वेदर है वो थोड़ा बहुत चेंज होना स्टार्ट हो जाए। रेनकोट अपने साथ ज़रूर कैरी करें। बाकी यहाँ पर है अपने कुछ प्यारे सब्सक्राइबर्स, फैमिली से जुड़े हुए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। हम लोग भी इनके चैनल को देखते हुए आते हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, मौसम है, चले आइए। हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों, सितंबर में यात्रा करिए, बहुत अच्छा वेदर रहता है, आराम से यात्रा करिए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। पीछे मौसम देखो आप, वाओ। सुनाओ दोस्तों, अभी हल्की हल्की बारिश हो चुकी है और वेदर फॉगी सा है, लेकिन इतनी तेज़ नहीं है कि हम भीग जाएं। थोड़ी बहुत बारिश है, वो बादलों की वजह से हो ही जाती है पहाड़ों में। सुनाओ दोस्तों, अब हम पहुंचने वाले हैं केदारनाथ बेस कैंप पर, और अभी बज रहे हैं 2, तो आप सोच सकते हो लगभग हमको 7 आवर्स पहुंचने में लग गए हैं, तो इजीली यार ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और हम बहुत जगह रुके भी हैं खाने पीने के लिए आराम से, कैंप बट अभी यहाँ पहुँचे हैं और वेदर पूरी तरह से बिगड़ चुका है। हवा चल रही है और फॉग इतना ज़्यादा है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो कितना ज़्यादा फॉग है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। तो अभी बारिश का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही है केदारनाथ ट्रैक पर, अभी बारिश हो चुकी है और रेनकोट डालना पड़ा है, और अभी मौसम ख़राब होने की वजह से कोई भी हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं कर रहा है। आप देख भी सकते हो जितने भी यात्री है वो वेट कर रहे हैं, बट जब तक वेदर साफ नहीं होगा हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं करेंगे। दोस्तों, आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि अगर हम केदारनाथ आते हैं तो क्या हमको ऑफलाइन में डॉर्मेट्री मिल जाएगी नियर केदारनाथ टेम्पल, तो जी हाँ, आपको मिल जाएगी। तो ये है केदार डॉम कॉटेज, और ये जस्ट हेलीपैड के पास ही है, बट मेन बात दोस्तों, इसकी आपको ऑफलाइन बुकिंग ही होती है, इसकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती, और इसके चार्जेस है 1000 रुपीज़ पर पर्सन इंक्लूडिंग डिनर। तो आप अगर ऑफलाइन में आते हो केदारनाथ और आपके पास स्टे का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर आप एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना, क्या पता अवेलेबल हो तो आपको मिल जाए। तो कुछ इस तरह से होती है, देखो डॉर्मेट्री आप देख सकते हो, केदार डॉम कॉटेजेस, जिसमें लगभग एक साथ 14 पर्सन स्टे करते हैं।
सो जी जस्ट हम पहुंच चुके हैं बाबा केदारनाथ धाम और ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ आपको देखने के लिए नज़र नहीं आएगी अभी 14 सितंबर को सीधे ही केदारनाथ धाम। हाँ जी देखा होगा। हाँ जी बिल्कुल आप केदारनाथ है कि लाइव करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, देखा, मैंने देखा आप। कहाँ से हैं आप? उड़ीसा से ओके। मैं आपको हर रोज देखती हूँ, आप हर रोज भेजते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। आज का प्रोग्राम क्या है, आज का या क्या है? चलिए हाँ हाँ जी हाँ जी चलिए। हो गई आपकी यात्रा, दर्शन हो गए? चलिए जय श्री केदार। तो अभी आप देख सकते हो थोड़ी देर पहले बारिश थी, क्लाउडी सा वेदर था, बट अभी बाबा केदार का वेदर काफ़ी अच्छा सा हो चुका है। अभी होटल में अपना बैगेज वगैरह रख के जैकेट वेयर कर लिया बिकॉज अभी ठंडा मौसम हो रहा है केदारनाथ धाम में। और बता रहे हैं कि आज ही ज़्यादा बारिश हुई है, कल तो धूप वगैरह थी, आज थोड़ी सी बारिश होने से जो मौसम है उसमें ठंड थोड़ी सी बढ़ चुकी है। तो अभी आरती की तैयारी चल रही है। तो आप में से कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि क्या केदारनाथ धाम में फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है? जी हाँ दोस्तों, अलाउड नहीं है, बट इनसाइड द टेंपल फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अदरवाइज आप जो टेंपल का ये जो एरिया देख रहे हो यहाँ पर आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर सकते हो, उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों सितंबर के मंथ में ज़्यादा क्राउड नहीं होता, मैंने आपको अपने बेस्ट मंथ फॉर केदारनाथ वाली वीडियो में भी बताया है कि अगर आप केदारनाथ यात्रा लेस क्राउड में या फिर क्राउड लेस में यात्रा करना चाहते हैं तो आप सितंबर मंथ में आ सकते हैं और इजीली यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों इस साल ही मैं इस सीज़न में केदारनाथ धाम 5वीं बार आ रहा हूँ, 5th time है ये मेरा केदारनाथ धाम। और मैं कौन होता हूँ वैसे आने वाला, मैं नहीं, मतलब बाबा बुलाते हैं तो आता हूँ, वरना मेरी इतनी औकात अभी कहाँ है कि मैं आ जाऊँ यहाँ पर। उनकी इच्छा है तभी आप आते हैं, वरना नहीं आ सकते। ये है वो पवित्र शिला, भीम शिला, जिसने 2013 की केदारनाथ आपदा में पूरे ही केदारनाथ मंदिर को बचाया था। यही है वो, यहाँ आप देख भी सकते हो मंदिर ये रहा, और जस्ट इसके बैक साइड में आइए। सो ये एरिया आपने देखा होगा, यहाँ पर आप कैंपिंग टेंट्स लगा सकते थे, बट अभी यहाँ पर अलाउड नहीं है कैंपिंग टेंट्स, कि सारे छोटे छोटे से ये बनाए हुए हैं। देखो ये जो ट्रैक है ये जस्ट टेंपल के बैक साइड में है, और यहाँ से आप जा सकते हैं जो शंकराचार्य जी की समाधि है उसके दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ से आप ऊपर से देख सकते हैं शंकराचार्य जी की जो समाधि है, जो उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। और कुछ इस तरह से यहाँ पर रास्ता जा रहा है जहाँ पर श्लोक लिखे हुए हैं। जो कि काफ़ी भव्य मूर्ति यहाँ से आपको नज़र आएगी, ये देख सकते हैं आप। केदारनाथ धाम के पास जितने भी आपको प्लेसेस मिलेंगे वो बहुत ही पवित्र हैं और उनकी कुछ ना कुछ मान्यता है। सो दोस्तों मैं आया था शंकराचार्य जी की समाधि के पास, और यहीं पर देखो मुझे देखने के लिए मिला है ये कंस्ट्रक्शन जो कि काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। और मैंने यहाँ पर पता किया तो ये बताया जा रहा है कि ये रोपवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो कि आने वाले टाइम में आप देख ही सकते हो, आपको पता ही होगा कि केदारनाथ धाम में रोपवे लगने वाला है, तो आपकी यात्रा और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और आप केदारनाथ धाम आते हैं दोस्तों तो यहाँ का चरणा अमृत भी लेकर जाना, जो कि जस्ट मंदिर के बैक साइड में आपको मिल जाएगा। ये देखिए ये रहा, और ये देखिए कुंड। तो जब भी आप केदारनाथ धाम आए इस पवित्र जल को भी अपने साथ लेकर जाना, जिससे कई सारी बीमारियां भी ठीक होने के दावे किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दर्शन के लिए भी लाइन लग चुकी है, और अगर आपको VIP दर्शन करने हैं तो आपको उसका पहले से टोकन लेना होगा, और उसके जो दर्शन होते हैं वो रात को 12 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं और लगभग 5 बजे तक चलते हैं, जिसके चार्जेस हैं 5,000 rupees फॉर 5 पर्सन, तो वो भी आप कर सकते हो। कहाँ से हैं आप?
एमपी ये जरूर आएंगे व्लॉग में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री केदार। अभी जस्ट हम दर्शन के लिए मंदिर के पास आ चुके हैं और अभी सुबह के बज रहे हैं 4। अगर आपको अच्छे से दर्शन करने हैं गर्भगृह तक, तो आपको सुबह 2 या 3 बजे उठ जाना है और लाइन में लग जाना है। और अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो फिर तो आप इजीली जो टोकन है उसे लेके कर सकते हैं। जो रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश थी केदारनाथ धाम में, डेट 15 सितंबर, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान अपना बनाएं कि बारिश अभी यहाँ पर है और शाम को है और थोड़ी सुबह में भी है। बाकी प्रसाद आप यहाँ से लीजिए जस्ट मंदिर के पास में और दर्शन करिए बाबा जी के, हम भी करते हैं। और अलाउड तो अंदर है नहीं कुछ भी वीडियोग्राफी वगैरह, तो बस दर्शन करके आते हैं फिर जस्ट आपसे मिलेंगे। तो हाँ जी दोस्तों, दर्शन हो चुके हैं बाबा केदार के बहुत ही अच्छे से और गर्भगृह तक दर्शन हुए हैं हमारे। मॉर्निंग का व्यू कुछ इस तरह से है, आप देख भी सकते हैं वहाँ पूरे पहाड़ों पर अभी स्नो ही स्नो है। आप दर्शन कर सकते हैं सुबह सुबह बाबा केदार के और यहाँ पर लाइन भी देख सकते हैं। अभी काफी लंबी लाइन यहाँ पर लग चुकी है और आप अगर देखेंगे तो ऑरेंज ऑरेंज सा थोड़ा सा व्यू नजर आ रहा है यहाँ पर वेदर। सो ये है दिल्ली से। ओके उनकी कृपा है तो मिला देंगे। बाकी प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपकी? दर्शन हो गए, चलो बहुत अच्छी बात है। जय श्री केदार। आज के इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव रहा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो आप इसको ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आपको जल्दी किसी न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। हर हर महादेव। जय श्री केदार।